उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का दशहरा आज विश्वविख्यात है और अल्मोड़ा के दशहरे को भारत पे तीसरे नंबर का दर्जा भी मिला हुआ है। विजयदशमी के दिन रावण परिवार के पुतलों का जुलूस भी यहाँ पर पूरे नगर में निकाला जाता है, जिसको देखने के लिए उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों के साथ देश विदेश के पर्यटक भी यहाँ पर पहुँचते हैं। अल्मोड़ा में रावण परिवार का पुतला एक नहीं बल्कि दो दर्जन से ज्यादा यहां पर बनाए जाते हैं। इस बार अल्मोड़ा में 17 पुतलों का निर्माण किया गया, जिन्हें दोपहर के समय यहां पर एक एक कर शिखर तिराहे में लाया गया। इन पुतलों को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं और लोगों के द्वारा इनकी फोटो और वीडियो खींचते हुए भी नजर आते हैं। दरअसल अल्मोड़ा में हर साल विजयदशमी के दिन रावण परिवार के पुतलों का जुलूस पूरे नगर भर में निकाला जाता है। इसकी खास बात ये रहती है कि पूरे नगर में जुलूस निकालने वक्त लोग इन्हें देखने के लिए मौजूद भी रहते हैं और देर रात्रि तक जुलूस के तौर पर ये पुतले चलते रहते हैं। और इस बार स्थानीय जूलॉजी के मैदान में इन पुतलों का दहन किया गया। मैं रहती दिल्ली में हूँ पर बिलोंग अल्मोड़ा को ही करते हैं। मेरे एंसेस्टर्स यहीं रहते थे और बहुत सालों बाद अल्मोड़ा वापस आए हैं। देख के अच्छा लग रहा है, यहाँ काफ़ी बहुत सुंदर बना दिया है और ये दशहरा स्पेशली देख के बहुत मज़ा आया। अपने कल्चर को देख के बहुत सालों बाद ये परेड भी जो हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है देख के। इसकी सुंदरता को इसने बढ़ा दिया, अल्मोड़ा की सुंदरता को, ये परेड जो हो रही है। और बच्चे भी मेरे आए साथ में, वो भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जो है हमारा उत्तराखंड राज्य है, इसका जो अल्मोड़ा शहर है अपनी संस्कृति के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ का नंदा देवी मेला हो, अल्मोड़े का दशहरा हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो, ये पूरे देश और विदेशों में अपनी शैली के लिए, अपनी विशिष्टता के लिए विख्यात है। ऐसे ही अल्मोड़े का दशहरा भी अपनी विशिष्टता के लिए पूरे देश और विदेशों में विख्यात है। यहाँ रावण के पूरे परिवार के ही पुतले बनाए जाते हैं और जीवंत पुतलों को बना के उनको गाड़ियों में बनाया जाता है और उनका युवा ढोलबाजों के साथ जुलूस निकाल करके पुतला दहन स्थल पर ले जाते हैं। और ऐसा पूरे देश में केवल एक अल्मोड़ा में ही होता है। और इस वर्ष भी करीब रावण परिवार के 17 पुतलों का निर्माण किया गया है, जिनका कि यहाँ भी अभी एकत्रीकरण हो रहा है और इसके बाद इनको एक भव्य शोभा यात्रा के साथ पुतला दहन स्थल पर इनका दहन करने के लिए ले जाया जाएगा। और विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पूरे हर्षोल्लास और भव्यता के साथ इस दशहरा महोत्सव को मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर आज विजयदशमी का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। अगर हम बात अल्मोड़ा की करें तो अल्मोड़ा के जूलॉजी ग्राउंड में रावण परिवार के पुतलों का दहन किया जा रहा है और देर रात्रि का समय और काफ़ी संख्या में लोग रावण परिवार के पुतलों का दहन देखने के लिए पहुँचे हैं और छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस दहन को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।